भाई और बहनों, हमने आपसे वादा किया था कि त्रिपुरा में हीरा वाला विकास हो, ऐसा डबल इंजन लगाएंगे। और अभी मैं वीडियो देख रहा था, बढ़िया ढंग से बताया था, हीरा यानी हाईवे, हाईवे, रेलवे और एयरवेज। त्रिपुरा की कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बीते 3 साल में तेजी से सुधार हुआ है। एयरपोर्ट का काम हो या फिर समंदर के रास्ते त्रिपुरा को इंटरनेट से जोड़ने का काम हो, रेल लिंक हो, इनमें तेजी से काम हो रहा है। आज भी 3,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के जिन प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, वो हमारे उसी हीरा मॉडल का ही हिस्सा है। बल्कि अब तो वाटरवेज, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसमें जुड़ गया है। साथियों, इसी कड़ी में आज गांव के लिए सड़कें, हाईवे का चौड़ीकरण, ब्रिज, पार्किंग, एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनका उपहार आज त्रिपुरा को मिला है। आज कनेक्टिविटी की जो सुविधाएं त्रिपुरा में विकसित हो रही हैं, वो दूर दराज के गांवों में लोगों का जीवन आसान बनाने के साथ ही लोगों की आय बढ़ाने में भी मदद कर रहे हैं। ये कनेक्टिविटी बांग्लादेश के साथ हमारी मैत्री, हमारे व्यापार की भी मजबूत कड़ी सिद्ध हो रही है। साथियों, इस पूरे रीजन को पूर्वी, उत्तर पूर्वी भारत और बांग्लादेश के बीच एक प्रकार से ट्रेड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान मैंने और प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने मिलकर त्रिपुरा को बांग्लादेश से सीधे जोड़ने वाले ब्रिज का शिलान्यास किया था और आज इसका लोकार्पण किया गया है। आज भारत और बांग्लादेश की मैत्री और कनेक्टिविटी कितनी सशक्त हो रही है, इसको लेकर हमने बांग्लादेश की माननीय प्रधानमंत्री शेख हसीना जी की भी बात सुनी। सबरूम और रामगढ़ के बीच सेतु से हमारी मैत्री भी मजबूत हुई है और भारत बांग्लादेश की समृद्धि का कनेक्शन भी जुड़ गया है। बीते कुछ वर्षों में भारत बांग्लादेश के बीच लैंड रेल एशिया के दूसरे देशों से कनेक्टिविटी सशक्त होगी। भारत में ही नहीं, बांग्लादेश में भी इस सेतु से कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। इस सेतु के बनने से भारत बांग्लादेश के लोगों में संपर्क बेहतर होने के साथ साथ टूरिज्म और ट्रेड के लिए, पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए नए अवसर पैदा हुए हैं। सबरूम और इसके आसपास का क्षेत्र पोर्ट से जुड़ी हर कनेक्टिविटी का, इंटरनेशनल ट्रेड का बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है। साथियों, मैत्री सेतु के अलावा दूसरी सुविधाएं जब बन जाएगी तो नॉर्थ ईस्ट के लिए किसी भी प्रकार की सप्लाई के लिए हमें सिर्फ सड़क के रास्ते पर निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। अब समंदर के रास्ते, नदी के रास्ते बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट होते हुए जल के रास्ते एक वैकल्पिक मार्ग मिले, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं।
इससे त्रिपुरा सहित नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों की सप्लाई बरसात या फिर दूसरी समस्याओं के कारण रास्ते बंद होने से प्रभावित नहीं होगी। दक्षिण त्रिपुरा के इसी महत्व को देखते हुए अब सबरूम में ही इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण भी आज से शुरू हो गया है। ये आईएसआईसीपी एक फुल फ्लेज लॉजिस्टिक हब की तरह काम करेगा, जहां पार्किंग लॉट्स बनेंगे, वेयरहाउसिंग बनेंगे, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी तैयार की जाएगी। साथियों, फैनी ब्रिज के खुल जाने से अगरतला इंटरनेशनल सी पोर्ट से भारत का सबसे नजदीक का शहर बन जाएगा। NH8 और NH208 के चौड़ीकरण से जुड़े जिन प्रोजेक्ट्स का आज लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, उनसे नॉर्थ ईस्ट के पोर्ट से कनेक्टिविटी और सशक्त होगी। इससे अगरतला पूरे नॉर्थ ईस्ट के लॉजिस्टिक का भी अहम सेंटर बनकर उभरेगा। इस रूट से ट्रांसपोर्ट को इसकी कॉस्ट भी बहुत कम हो जाएगी और पूरे नॉर्थ ईस्ट को आसानी से सामान मिलेगा। त्रिपुरा के किसानों को अपने फल, सब्जी, दूध, मछली और दूसरे सामान के लिए देश विदेश के नए बाजार मिलने वाले हैं। यहां जो पहले से उद्योग लगे हैं उनको लाभ होगा और नए उद्योगों को बल मिलेगा। यहां बनने वाला औद्योगिक सामान विदेशी बाजारों में भी बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। बीते वर्षों में यहां के बांबू प्रोडक्ट्स के लिए, अगरबत्ती उद्योग के लिए, पाइनएप्पल से जुड़े व्यापार के लिए जो प्रोत्साहन दिया गया है, उसको इन नई सुविधाओं से और बल मिलेगा।